बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा है। आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर को देंगे 1000 करोड़ की सौगात। 48 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ पर 48 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। गोरखपुर को देंगे 1000 करोड़ की सौगात। गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा है। आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर को 1000 करोड़ की सौगात देंगे। 48 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा है आज। और इस दौरे के दौरान 1000 करोड़ की सौगात गोरखपुर वासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। गोरखपुर दौरे को लेकर गोरखपुर वासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 48 विकास परियोजनाओं का इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण और शिलान्यास भी करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संकट मोचन मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संकट मोचन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है और इस दौरान 1000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं गोरखपुर वासियों को। किस तरह की वहां पर तैयारियां चल रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आगमन को लेकर? जी बिल्कुल दिव्या, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पे आज गोरखपुर आ रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि आज जो है कि 48 परियोजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण करेंगे और लगभग 1000 करोड़ की जो है लागत से बनी हुई है। और इसको लेकर के कल जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है पशु विद्यालय का जो है कि यहाँ पे उसका लोकार्पण करेंगे। और यहाँ पे तमाम जैसे अब चुनाव आ रहे हैं, धीरे धीरे सभी पार्टियां अपनी कमर कस रही है। वैसे बीजेपी भी अब कोई कोर कसर नहीं बरत रही है और पूरी अपनी कमर कसने में लगी हुई है। जी दिव्या जी, सीएम के आगमन को लेकर यहाँ पर सुरक्षा के किस तरह की व्यवस्था किए गए हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या जनसभा को भी संबोधित करेंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी है उनके कार्यक्रम से जुड़ी हुई, बताइए। जी बिल्कुल दिव्या, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पे 4 चौबंद पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। किसी तरीके से यहाँ पे कोर कोताही नहीं बरती गई है और पुलिस विभाग जो है हर चप्पे पे, हर नाकेबंदी पे वहाँ पे लगा दी गई है कि कहाँ किसी तरह से यहाँ पे कोई दंगा ना हो पाए। इसको लेकर के यहाँ पे हर जगह पे जो है पुलिस फोर्स लगा दी गई है। उसके साथ साथ अगर बात करें जो है कि रैली स्थल पे, तो वहाँ पे चंपा देवी दिग्विजयनाथ पार्क में होना है। यहाँ पे वहाँ पे जो है कि इनका कार्यक्रम लगा हुआ, वहाँ पे जनता को संबोधित करेंगे और इनके कार्यकर्ता भी रहेंगे मौजूद। उसको लेकर के यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली गई है। लगभग 3 बजे यहाँ पे इनके कार्यक्रम होने हैं। जी संकट, अगर देखा जाए तो 48 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करने वाले हैं। कौन कौन से वो 48 विकास परियोजना है? जी बिल्कुल, जैसे यहाँ पे 48 जो है परियोजना जो है कि भिन्न भिन्न है। जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल हो गया, यहाँ पे उद्यान के लिए जो है, बेरोजगारी के लिए जो है कि अन्य जो है योजना है, इस तरह की तमाम योजनाएं इसमें है। और उसको लेकर के यहाँ पे सारी योजना जो है आज उसका शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। जी संकट, अगर देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर से एक विशेष लगाव है, गोरखनाथ से भी एक विशेष लगाव है। जब भी वो गोरखपुर जाते हैं, गोरखनाथ में पूजा अर्चना करते हैं, वहां पर जनता दरबार भी लगाई जाती है, जन समस्याओं को सुनते नजर आते हैं, निस्तारण के भी तुरंत आदेश देते हैं। इस बार क्या जनता से रूबरू होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? जी बिल्कुल, अगर कहीं अगर ये आते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जब भी गोरखपुर में आते हैं तो जब मंदिर में होते हैं तो महंत के रूप में नजर आते हैं, लेकिन जब वही मंदिर से बाहर पूजा पाठ करके बाहर आते हैं तो ये जो है कि सीएम की नजर में आते हैं। और जैसे जो है कि दूर दराज से लोग आते हैं, उनकी फरियादी भी सुनते हैं। ऐसा कई दिन ना हो जिस बार जो है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहे और फरियादी को जो है कि आए और या उनका सुने मत। जी संकट मोचन, अगर देखा जाए तो इस दौरे के दौरान, गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे तो गोरखपुर वासियों को 1000 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। इस 1000 करोड़ की सौगात से गोरखपुर वासी को क्या क्या लाभ हो सकता है, किस तरीके से वो इस सौगात से लाभ लेंगे, बताइए विस्तार से। जी बिल्कुल, जब से अगर 1000 करोड़ अगर गोरखपुर में अगर विकास कार्यों का योजना होता तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे गोरखपुर वासियों को जो है कि यहाँ लाभ मिलेगा। हर तरह से जो है कि
पे कहीं अगर देखा जाए कि पहले गोरखपुर में शहर में आने जाने के लिए रोड सही नहीं थे, वो जो है कि मतलब बहुत समस्या हो रही थी, यहाँ ओवर ब्रिज की समस्या थी, ये सब ओवर ब्रिज भी बन रहे हैं। और भी जैसे आवासीय प्लाट है वहाँ पे बच्चे मजदूर जैसे अभी पिछली बार आए थे जो कि आवासीय भवन का निर्माण किए थे, लोकार्पण किए थे, उसको लेकर के ऐसे तमाम योजना जब ये करते हैं तो कहीं कहीं जो कि जो गोरखपुर की प्रमुख समस्या है उसको दूर करना चाहते हैं, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ जो है कि गोरखपुर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इसको जो है कि हर मतलब छोटी से छोटी कमी को जानते हैं कि किस तरह यहाँ पे कमी है, क्या हमको दूर करना चाहिए। इसको कमी को दूर करने के लिए जो है कि योगी आदित्यनाथ जो है लगे हुए हैं। जी ठीक है। जनता में कितना उत्साह देखा जा रहा है, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आगमन को लेकर? देखिए, अगर यहाँ पे आगमन को लेकर के जनता यहाँ पे जो भी है वहाँ पे उत्साहित नजर आ रही है कि हम सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषण को सुने, उनकी जो है कि यहाँ पे विकास योजनाओं को क्या क्या विकास योजना करेंगे, क्योंकि जैसे हम जानते हैं और आपको बता सकते हैं लेकिन पूरी जनता नहीं जान पाती है कि कौन कौन सी योजनाएं का जो है कि यहाँ पे शिलान्यास और लोकार्पण होने हैं। जब ये जी सुनने के लिए जो कि वो आते हैं देखते हैं कि क्या कौन कौन सी जो योजना हमारे जिले को मिल रही है, हमको मिल रही है, इससे क्या लाभ होगा, इससे लेकर के जो है कि जो भी गोरखपुरवासी है यहाँ पे खास उत्साह देखने को मिल रहा है। जी ठीक है। संकोच मोचन, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।